आज मैं मटर के ढोकले की बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये खाने में बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे और बहुत ही आसानी से बनकर तैयार होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा। मेरे चैनल इंडियन रेसिपीज विद सीमा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए झटपट से इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर एक कप फ्रेश मटर लिया है, हरा मटर। अभी विंटर सीजन है तो हरा मटर बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाता है। आप हरे मटर की जगह फ्रोजन मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हरी मिर्च, अदरक के थोड़ी से टुकड़े और हरी धनिया मिलाकर इसका बारीक पेस्ट तैयार कर लिया मिक्सर जार में। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो एक बड़े बाउल में एक कप सूजी ले लेते हैं। सूजी आपके पास जो भी अवेलेबल हो, मोटी या पतली, वो ले सकते हैं। इसमें आधा कप फ्रेश दही यूज़ कर रही हूँ। ये ज़्यादा खट्टा नहीं है इसलिए आधा कप लिया है। यदि ज़्यादा खट्टा यूज़ कर रहे हैं आप दही, तो 1/4 कप में ही हो जाएगा। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे आवश्यकता अनुसार। यदि मोटी सूजी होगी तो वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगी। और इसमें हमने जो ये मटर का पेस्ट तैयार किया है वो भी मिला देते हैं। फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी बनती है खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और मिक्सर जार में जो मसाला लगा हुआ था मटर का, तो उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उस पानी को भी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला दिया, 1/2 टेबल स्पून चीनी मिला दिया और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसे आधा घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, क्योंकि सूजी है जो, वो सूजी को फूलने में टाइम लगेगा। आधे घंटे बाद हम ये देसी स्टीमर में इसको बनाएंगे। तो यदि आपके पास मोटी तली का कढ़ाई या कोई भी बर्तन हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने मोटी तली का सिल्वर का गंजी लिया है, उसमें 3 से 4 गिलास पानी मिला दिया और इसमें एक बीच में स्टैंड रख दिया और इसे ढककर लगभग 10 से 15 मिनट के लिए गर्म होने देंगे मीडियम फ्लेम पे। और ये साइड में ढोकले को बेक करने के लिए एक डिब्बा ले लिया है, चाहे तो आप गहरी थाली ले सकते हैं। तो इसको हमने ऑयल से पहले ग्रीस कर लिया था, फिर डिब्बे में चारों तरफ बेसन को फैला दिया। बेसन लगाने से डिब्बे में ढोकला चिपकेगा नहीं। अब ये आधा घंटे बाद देखा तो ये जो हमारी सूजी है ये अच्छे से फूलकर रेडी हो गई है। यदि ये गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें पानी और भी मिला सकते हैं। यहाँ 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया और 1 टेबल स्पून इनो फ्रूट सॉल्ट डाल देते हैं। आप इनो की जगह 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं और इसे मिक्स कर देंगे। इसको बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं है, क्योंकि ये तुरंत रिएक्शन करता है और पहले से ही हमने बेक करने के लिए जो जिसमें भी हमको ढोकले तैयार करना है उसको तैयार कर लिया है पॉट को। तो इसको हम इसमें पलट देते हैं। यदि बैटर गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं। अब इसको इस तरीके से टैप कर लेते हैं ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। इसमें ऊपर से चाट मसाला डाल दिया है। चाट मसाला डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये स्टीमर भी हमारा रेडी हो चुका है, ये गर्म हो गया है। तो इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। आधा घंटे के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। आधा घंटे बाद इसको हम चेक करके देखेंगे, जब तक कि हम चटनी तैयार कर लेते हैं एक साइड। तो यदि आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं चटनी का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर की है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ढोकले के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी चटनी। आधा घंटे बाद देखा तो इसमें नाइफ या स्पून डालकर देखेंगे तो हमारी नाइफ है जो बिल्कुल फ्रेश आ रही है, उसमें कोई भी मसाला नहीं चिपका है, यानी कि ये बेक हो गया है। हाथ से भी छू रहे हैं तो ऊपर का पूरा पानी स्टीमर बनकर उड़ चुका है। तो ये हमारा अच्छे से बेक हो चुका है ढोकला। अब इसको निकाल लेते हैं और इसको 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा हो जाने देते हैं। ठंडा होने के बाद इसको निकालेंगे तो हमारा ढोकला टूटेगा नहीं और बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो नाइफ की हेल्प से हमने आजू बाजू से इसको निकाल लिया है और इसको हम पलटेंगे। ये देख सकते हैं ये पॉट में भी नहीं चिपका है ढोकला और बहुत ही आसानी से बेक हो गया है। ये बहुत ही स्पंजी बनकर तैयार हुआ है हमारा ढोकला। अब इसको ठंडा होने के बाद कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसे खाएंगे तो सच में बहुत ही पसंद करेंगे। आप इस विंटर सीजन में इसको ज़रूर इंजॉय करें। अब इसके लिए हम तड़का तैयार करते हैं। तो तड़का पैन पे हमने रिफाइंड ऑयल ले लिया है, रिफाइंड ऑयल थोड़ी ज़्यादा लिया है ढोकला में डालने के लिए। इसमें मस्टर्ड सीड ऐड कर दिया है, मस्टर्ड सीड्स को अच्छे से चटक जाने दिया। उसमें फिर कढ़ी पत्ता और थोड़ी सी तेल डालकर तड़का तैयार कर लिया है और इसको ढोकले के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं गर्मा गर्म। और इसमें हरी धनिया
ऊपर से ऐड कर दिया काट कर। तो इसे आप गर्मा गर्म चटनी के साथ खाएं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।